एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों मदरबोर्ड रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज बताएंगे पार्ट थ्री में जो मदरबोर्ड की ब्लॉक डायग्राम होती है उसको हम कैसे ट्रेस करें। आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली हम कैसे ब्लॉक डायग्राम ट्रेस कर सकते हैं, जो वोल्टेज है स्टैंड बाय वाला वोल्टेज कैसे बनेगा, स्टैंड बाय ऑन वाला वोल्टेज कैसे बन सकता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू वीडियो बन चुका है, अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। जब तक आप लोग पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे रहेंगे तब तक आप लोग प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पार्ट वन पार्ट टू बन चुका है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तब प्रैक्टिकली में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पार्ट वन थ्योरी में हम ट्रेस किए थे उसको हम प्रैक्टिकली में कैसे ट्रेस करें, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम प्रैक्टिकली में जैसे पार्ट वन में हम ट्रेस किए थे उसको हम प्रैक्टिकली में कैसे ट्रेस करें। जितने जितने बड़ा क्रिएटर है अगर उन लोगों का आप लोग वीडियो देखेंगे आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा इस चैनल पर, आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्योरी भी देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। थ्योरी में है तो उसको हम कैसे ट्रेस करें, प्रैक्टिकल में कैसे ट्रेस करें, जो बड़े क्रिएटर है उन लोगों के चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सर्किट चेक करना है आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा इस चैनल पर, आप लोगों को थ्योरी भी देखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल भी देख। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो, देखिए हम प्रैक्टिकली में कैसे ट्रेस कर सकते हैं। कोई भी अगर सर्किट ट्रेस करना है जिसमें पावर सप्लाई है, जिसमें मदरबोर्ड है, तो हम उसमें कैसे ट्रेस करेंगे, जो स्टैंड बाय लाइट होगी वह कैसे बनेगा, जो स्टैंड बाय ऑन वाली सर्किट होगी वह कैसे बनेगा। देखिए जब हम एसी सप्लाई इस प्लग में देंगे जो स्टैंड बाय लाइट होगा इसमें रेड ग्रीन जिस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी उस हिसाब से यहाँ पर लाइट आ जाएगी। यानी जब हम एसी वोल्टेज यहाँ पर दे देंगे जो कंपनी फिक्स की होगी पावर सप्लाई से जो वोल्टेज जाएगी वह मदरबोर्ड पर आराम से आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट जो यानी पावर सप्लाई से जो मदरबोर्ड पर जब हम एसी सप्लाई इसमें इन करेंगे तो जो 12 वोल्ट होगा पावर सप्लाई डायरेक्ट बनाकर मदरबोर्ड को देगी। पावर सप्लाई इस तरीके से मैनेज किया गया है, जब हम एसी सप्लाई इसमें देंगे या 12 वोल्ट इस मदरबोर्ड को देगा, जब हम यहाँ से स्टैंड बाय ऑन किए मदरबोर्ड से इस पर कौन कौन सी सिग्नल जाएगी, जब हम स्टैंड बाय यहाँ से ऑन कर देंगे उसी वक्त यहाँ से पीएस ऑन सिग्नल निकलेगा और ये जो पीएस ऑन सिग्नल होगा इस पावर सप्लाई को ऑन करवा देगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने से पहले आप लोगों को हम थ्योरी दिखाना चाहते हैं, यानी ये जो कनेक्शन है आप लोग प्रैक्टिकली तुरंत नहीं समझ पाएंगे। चलिए आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जब स्टैंड बाय में लाइट होगी स्टैंड बाय हम कैसे ऑन करेंगे, तो पावर सप्लाई से कैसे मदरबोर्ड में आएगी और फिर स्टैंड बाय ऑन होने के बाद मदरबोर्ड में से पावर सप्लाई में कैसे जाएगी। आप लोग जब थ्योरी देखेंगे तब समझ में आएगा ये सर्किट थ्योरी में कैसे बनी हो सकती है, तब जाकर आप लोग इतनी वायर है समझ पाएंगे, ऐसे प्रैक्टिकली में नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तब आप लोगों को थ्योरी के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम ट्रेस करें। चलिए देखिए थ्योरी, देखिए हम कैसे थ्योरी में ट्रेस कर सकते हैं। देखिए ये जो है पावर सप्लाई है, यह जो है मदरबोर्ड है और ये जो है की वाला बटन है जिसमें स्टैंड बाय बटन होता है, सोर्स बटन होता है, मेनू बटन होता है, चैनल घटाने बढ़ाने के लिए होता है, यह आईआर सेक्शन होता है जिसमें रेड एलईडी होती है, ग्रीन एलईडी होती है, इस प्रकार से होती है। जब एसी सप्लाई हम देंगे जो कंपनी फिक्स की होगी जिस हिसाब से पावर सप्लाई में वोल्टेज निकलना होगा उस हिसाब से मदरबोर्ड में भी फिक्स होगा कि मदरबोर्ड कितनी वोल्टेज से चलेगी। उदाहरण के तौर पर मानिए इसी सर्किट पर आप लोगों को समझाएंगे, उदाहरण के तौर पर ही आप लोगों को प्रैक्टिकली में भी दिखाएंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिकली में होगा। देखिए जब हम एसी सप्लाई पावर सप्लाई में दे देंगे तो पावर सप्लाई से फर्स्ट जो वोल्टेज निकलेगा 12 वोल्ट निकलेगा जो मदरबोर्ड पर चला जाएगा। मदरबोर्ड पर जाने के बाद जो मदरबोर्ड होगी मदरबोर्ड काम करने लगेगा जिससे जो एलईडी लाइट होगी हो सकता है रेड बरे, हो सकता है ग्रीन बरे, कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। जब हम एसी सप्लाई पावर सप्लाई में देंगे तो जो 12 वोल्ट होगी मदरबोर्ड पर चला जाएगा और मदरबोर्ड पर जाने के बाद आईआर सेक्शन होगा, आईआर सेक्शन काम करने लगेगा, कंपनी के द्वारा जो
एलईडी लाइट पहले चलाया जाएगा, उस हिसाब से जल जाएगा। इस तरीके से एसी सप्लाई देने के बाद स्टैंड बाई लाइट जल चुका है। की बटन से जब हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे, उसी वक्त जब हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे तो उसी वक्त जो एलईडी होगा कंपनी के हिसाब से जो लाइट बर रहा था वह दूसरे में चेंज हो जाएगा। स्टैंड बाई हम ऑन करेंगे तो जो मदरबोर्ड होगी, मदरबोर्ड सिग्नल देगी पावर सप्लाई को, बैकलाइट का ब्राइटनेस के लिए सिग्नल निकलेगा और बैकलाइट ऑन सिग्नल निकलेगा, पैनल ऑन सिग्नल निकल जाएगा। जब हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे उसी वक्त बैकलाइट सेक्शन चालू हो जाएगा, पैनल सर्किट चालू हो जाएगा और उसी वक्त जो होगा यह एलईडी दूसरे कलर में एक्सचेंज हो जाएगी। जब हम एसी सप्लाई पावर सप्लाई में देंगे, फर्स्ट जो होगा 12 वोल्ट मदरबोर्ड पर जाएगा। मदरबोर्ड पर जाने के बाद जो आईआर सेक्शन होगा, जिस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी, स्टैंड बाई वाली लाइट बढ़ जाएगी। स्टैंड बाई ऑन करते ही यह जो लाइट होगी लाइट चेंज हो जाएगी। उसी वक्त यह स्टैंड बाई ऑन होने के बाद मदरबोर्ड होगी, मदरबोर्ड पावर सप्लाई को सिग्नल देगी। बैकलाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन चालू होगी। जो पैनल सेक्शन है, पैनल सेक्शन चालू होगी। इस प्रकार से ये पूरी सर्किट होती है। चलिए आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इतनी वायर है तो कैसे कैसे ट्रेस करें। देखिए अब हम कैसे प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ट्रेस करने के लिए हमको देखना होगा पहले पावर सप्लाई। जब हम एसी सप्लाई इन करेंगे, एसी सप्लाई इन करने के बाद जो कंपनी फिक्स की होगी उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज निकल जाएगी। यहाँ पर 12 वोल्ट निकल जाएगा, एसी सप्लाई लेगा और 12 वोल्ट देगा, जो इस वायर से होते हुए सीधा इस तरीके से इस पर आ जाएगा। जो ये VCC सप्लाई 12 वोल्ट का होगा, सीधा इस वायर से होते हुए इस मदरबोर्ड पर यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुका है। इस पावर सप्लाई से 12 वोल्ट इस वायर से होते हुए यहाँ पर आ चुका है। जो ये होगा ये स्टैंड बाई लाइट जल जाएगा। जब एसी प्लग हम यहाँ पर इन करेंगे उसी वक्त जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट सीधे मदरबोर्ड पर आ जाएगा और मदरबोर्ड पर आने के बाद तुरंत ये जो स्टैंड बाई लाइट होगा, स्टैंड बाई लाइट जल जाएगा। उसी वक्त जब हम ये जो की बटन होगा, इस की बटन के स्टैंड बाई बटन को दबाएंगे, उसी वक्त क्या होगा, ये जो आईआर सेक्शन होगा ये जो होगा स्टैंड बाई से हटकर दूसरे सेक्शन पे आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि यह स्टैंड बाई ऑन हो चुका है। उसी वक्त मदरबोर्ड क्या करेगा, मदरबोर्ड सिग्नल देगा पावर सप्लाई को, जिससे बैकलाइट सेक्शन चालू होगा और जिससे मदरबोर्ड में पैनल सेक्शन चालू होगा। एलबीडीएस के सेक्शन में VCC सप्लाई मिल जाएगी। अब देखेंगे जब हम एसी सप्लाई पावर सप्लाई में दिए तो जो स्टैंड बाई वाला वोल्टेज था सीधा 12 वोल्ट इस वायर से होते हुए सीधा यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुका है। 12 वोल्ट मिलने के बाद स्टैंड बाई लाइट आ चुका है। जब यहाँ से स्टैंड बाई हम ऑन कर देंगे तो उसी वक्त ये जो होगा यह लाइट में एक्सचेंज होगा, जिससे क्या होगा स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा। उसी समय मदरबोर्ड और सप्लाई को सिग्नल देगा, स्टैंड बाई का सिग्नल देगा। देखिए यहाँ पर PS ऑन सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा, इस पावर सप्लाई के बैकलाइट सेक्शन चालू कर देगा। देखिए इस मदरबोर्ड से ये जो IR सेक्शन है, ये IR सेक्शन इस मदरबोर्ड से कनेक्ट है और जो की बटन है यह मदरबोर्ड से कनेक्ट है। यह की बटन और ये IR सेक्शन जो है सीधा ये इस मदरबोर्ड से कनेक्ट है। पावर सप्लाई से जो ये वायर सीधा यह इस मदरबोर्ड पर आ जा रहा है। की से स्टैंड बाई ऑन करेंगे उसी समय क्या होगा, BL ऑन ADJ जो सिग्नल होगा इस वायर से होते हुए सीधा ये यहाँ पर चला जाएगा। अब आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकली जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को कैसे ट्रेस करें। इसमें देखेंगे मेमोरी IC कहाँ लगी है, रैम वोल्टेज कहाँ बनेगा, पूरा आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ ये कैसे काम करेगा। आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।